फ्रेंड है ये, फ्रेंड है ये देसी घी है। फ्रेंड्स देखो, मतलब क्या ही कहूँ कि दीदी को भी इतना गुस्सा आ रहा है ना यहाँ पर, पूछो मत इनकी। सो गाइस यहाँ पर देखिए मैंने गुफा, तो इस गुफा के अंदर हम चलेंगे अभी। इज अमेजिंग, ये बड़ा गोल गोल है, पता नहीं क्यों, ये पता नहीं किसी का घर है गाइस, तो हम इसके नीचे चलते हैं। गार्ड तो नहीं जाएगा मुझे? देखो बाबूजी साहब आए हमारे। सर आ गया क्या? अमृतसर आ गया। सो गाइस हम डिनर हाउस के अंदर जा रहे हैं। ओहो, सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी लवप्रीत सिंह। सो फर्स्टली मैं आपको बता दूं, ये व्लॉग मेरा पीछे वाले व्लॉग से कंटिन्यू हो रहा है, तो जिन्होंने मेरा व्लॉग नहीं देखा पीछे वाला, तो फर्स्टली वो मेरा पीछे वाला व्लॉग देखें। तो मैंने जैसे कि पीछे वाले व्लॉग में बताया था कि अब हम चौकीदानी जाएंगे, तो ये व्लॉग मेरा चौकीदानी का होगा और चौकीदानी का पूरा कंप्लीट मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा होता है कैसा नहीं। और एक चौकीदानी जयपुर में भी है, यहाँ की देखते हैं कैसी है। आई थिंक जयपुर की ज़्यादा बेस्ट होगी, ये तो सोनीपत वाली है, तो चलते हैं गाइस। और हाँ फ्रेंड्स, आप बताते नहीं कमेंट्स में कि मेरे व्लॉग्स कैसे हैं कैसे नहीं, तो आप ज़रूर कमेंट करा करो, बताया करो कैसे ब्लॉग्स हैं, और लाइक ज़रूर करा करो। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा मेरा चैनल, वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे बहुत ही ज़्यादा मतलब बेस्ट ब्लॉग कहते हैं ना, वो आएंगे आगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा आपको। गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं चौकीदानी के अंदर, तो आपको आज इतना इंटरेस्ट आएगा ना, ये है दिल्ली के अंदर, हरियाणा के अंदर आता है सोनीपत चौकीदानी। तो गाइज हमने इसकी प्राइस वगैरह पूछी है, मैंने इसकी प्राइस पूछी थी 1000 रुपीज़ पर पर्सन है, और इसके अंदर 20 एक्टिविटीज़ दे रखी है इन्होंने, तो हर एक एक्टिविटी का इंजॉय करेंगे फुल गाइज। तो चलो चलते हैं चौकीदानी के अंदर। ये गाइज हमने चौकीदानी के अंदर अभी एंट्री भी नहीं ली है, इन्होंने बाहर अपना कूदना स्टार्ट कर दिया। देखो ये देखो गाइज फुल इंजॉय ले रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने डिनर का टाइमिंग देख सकते हो, आप देख सकते हो, और ये अपना पूरा मेन्यू है, ये पूरा खाने पीने का मेन्यू है जो भी इन्होंने लिखा हुआ है। और गाइज ये है अपना, ये पूरी 20 एक्टिविटीज़ हैं गाइज, ये आप देख सकते हो ये चौकीदानी के अंदर। और ये अपना पूरा एंट्रेंस, इन्होंने स्टार्टिंग का एंट्रेंस ऐसे बना रखा है, देख रहे हो गाइज, बिल्कुल पुराने ज़माने की तरह है। इसमें सारी की सारी वो दे रखी है पुराने ज़माने वाली चीज़ें, जैसे पीतल की हुई ना। ये नॉर्मल पानी है, जीरा, जीरे वाले पानी है, ये है गाइस जीरे वाला पानी। यहाँ पर डांसिंग से स्टार्ट है, डांस कर रहे हैं लोग। अरे सनी भाई क्या लिखवा रहे हो आप, ये क्या लिखवा रहे हो, किसका नाम लिखवाया है आपने बता दो। अच्छा आप किस किस का नाम लिख सकते हो? सबका, सबका लिख दोगे भाई, किस आपने लिखवाना है? गाइज आप सबको याद है पिछली बार जब मैं अमृतसर में घूमने गया था, जब मेरी व्लॉगिंग नहीं करता था मैं, इंस्टा व्लॉगिंग करता था, तो वहां पर मैंने अपने इंस्टाग्राम पे व्लॉग डाला था साडा पिंड, जो अमृतसर के अंदर प्रेजेंट था। सो गाइज यहाँ पर देखिए मैंने गुफा, तो इस गुफा के अंदर हम चलेंगे अभी, देखते हैं इस गुफा के अंदर क्या क्या है। वाओ गाइज अमेजिंग, होगा इसके अंदर क्या पता हॉरर ना हो गाइज, ये वाली गुफा। अरे ये अपने सनी भाई आ गए हैं, सनी भाई ये देखो साहिब भाई क्या कह रहे हैं मुझे मुझे गोस्ट बना दिया इन्होंने। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कुछ नहीं है गाइस, आगे चलते हैं, इनको पीछे छोड़ते हैं।
यहाँ पर ब्लू कलर की लाइट्स, ओहो पैर मुड़ गया मेरा, यहाँ पर ब्लू, यहाँ पर क्या है? अच्छा अच्छा ये तो वैसी ही जगह दे रखी है, आगे चलो। ये बंद है, हम के ढके तो नहीं गए? नहीं नहीं, ये रहा ये रहा ये रहा, आगे फूल बुलाया तो नहीं? आगे चलो आगे चलो, आओ आओ आगे। यहाँ पर क्या, गाइस ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप की केव है, यहाँ से आउटर रोड रखा है, यहाँ से इनर भी आउटर भी है। ओहो तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो हम वहां से अंदर गए थे और इधर से बाहर आ चुके हैं, पूरी अंदर से गुफा कवर कर ली है हमने, अब जाएंगे गाइस हम ऊपर, ऊपर देखते हैं क्या है। ये भी बड़ा, ये बड़ा गोल गोल है, पता नहीं क्यों बड़ा ही गोल गोल है ये भी। अरे ओहो हम ऊपर आ गए गाइस, एक मिनट, ये ऊपर का व्यू है सारा, अबे राक्षस राक्षस आगे भी है गाइस, आगे भी है कुछ, आगे भी है इधर। ये गाइस इतना इंटरेस्टिंग मुझे लग नहीं रहा कुछ, ये तो अंदर जाने का कोई सिस्टम, अभी देखेंगे अभी नीचे से चलते हैं, चलो उधर से ही चलते हैं, आ जाओ ये पता नहीं किसी का घर है गाइस, तो हम इसके नीचे चलते हैं, अब नीचे क्या है देखते हैं, नीचे भी काफी इंटरेस्टिंग होगा कुछ ना कुछ। ये क्या चीज है गाइस, ये पता क्या है, ये ना यहाँ पर दिए वगैरह बनते हैं, यहाँ पर मिट्टी की जो चीजें होती है ना, मिट्टी के बर्तन, वो चीजें बनती हैं यहाँ पर, ये देखो बनी भी हुई है गाइस कुछ, और देखते हैं गाइस क्या है इस रूम के अंदर क्या है। गाइस बैल की सवारी करें, ओहो गाइस यहाँ पर तो ट्रैक्टर की भी है, वाओ अमेजिंग भैया, ये ऐसे ही चल रहा है गाइस, यहाँ पर सब चीज की सवारी ना फ्री है, तुम किसी को भी फ्री में अपना कर सकते हो एंजॉयमेंट, एक्टिविटी हर एक्टिविटी फ्री है, बट गाइस जो चलाने में मजा है ना वो अलग ही है। मैं बात करता हूँ कि ट्रैक्टर की, बात करता हूँ कि ट्रैक्टर चला सकते हैं या नहीं चला सकते, मेरी गल दसो इतने ऐप चलाना अलाउड है क्या? अच्छा आप चला नहीं सकते, अगे बह भी नहीं सकते, चलो कोई नहीं, बाकी चूलना फ्री है पीछे, नहीं नहीं चूलन का कोई मजा नहीं, चलान का जो मजा है ट्रैक्टर नू। अच्छा पकड़ लू, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, काट तो नहीं जाएगा मुझे? ना ना कुछ नहीं जाएंगे, पालतू ना जाएंगे। ये देखो नाग है, ब्लैक कलर का, ये उसका क्या नाम है वैसे? कोबरा, कोबरा तुम बनाओ, फोटो बनाओ, वीडियो बनाओ, भगवान के नाम कंट्रोल नहीं जाते इससे। ये जैसे ये सांप है ये काटते नहीं है, तुम क्या करते हो उनके पास ऐसा? कुछ नहीं करते, जिसके घर में लकड़ जाते हैं हाँ हाँ तो लिकेड के छोड़ देते हैं जंगल में। अच्छा अच्छा, तो ये इनको जड़ी बूटी वगैरह देते हो कुछ? हाँ जड़ी बूटी दवाई पिलाते हैं इनको, तो इनका जहर खत्म हो जाता है, सारा जहर खत्म हो जाता है। गाइस मैंने अभी ये लिए फिंगर चिप्स, ये इतने सारे रखे हैं यहाँ पर, इसको उठाना, इसमें क्या है? इसमें पकौड़े हैं जो मैं खा नहीं सकता, मुझे ग्लूटेन एलर्जी है सबको पता है, इसको उठाना,
ये गाइस कड़ी है, इसको खाना, ये कचौड़ी है, ये सब नहीं खा सकता मैं, सिर्फ पटेटो खा सकता हूँ, तो मैंने ये ले लिया है तो उसको खाते हैं। और ये चाय भी रखी हुई है यहाँ पर, बट चाय मैं पीता नहीं कभी। ये सारी गाइस मुझे एक्टिविटी मिली है जो मेले के अंदर होती है ना, वो वाली एक्टिविटीज़ मिली हैं। ये भी बड़े मज़ेदार हैं, बच्चे देखो कितना इन्जॉय कर रहे हैं। और मुझे पता नहीं कौन सी पसंद आएगी अब मैं जो करूँगा। फ्रेंड्स जैसे ही मैं पीछे गया ना बिल्कुल बैक साइड चौकीदान के, तो पीछे मिल रही थी बाजरे की रोटी और लहसुन की चटनी भी है इनके पास, और बाजरे की रोटी घी के साथ दे रहे थे ये। और यहाँ अम्मा सबको कह रही हैं कि रोटी नहीं है, बहुत सारे गेस्ट बैठे हैं, ख़त्म हो चुकी है। ये पूरा देसी खाना है फ्रेंड्स, ये है बाजरे की रोटी, और इन्होंने ना पूरा की पूरा घी में कर दिया है इनको, देखो यार कितनी टेस्टी होगी ये खाने में, वेरी बोलते हैं। और ये लहसुन की चटनी, और इन सब के बाद इन्होंने गुड़ भी दिया है। चल स्टार्ट कर, आ जाओ भैया, चलो राजवीर राजवीर। तो गाइज अब ट्रेन में सफर करेंगे हम लोग, ट्रेन में सफर करते हैं। मेरे लाइक जगह हैगी है चाचा जी, मेरे लाइक जगह हैगी है, अमृतसर आज हम अमृतसर जा रहे हैं। गोलू तेरा भाई है। हाँ जी। लखेरा भाइयो क्या लाख की चूड़ियाँ बनाते हो? हाँ जी। अच्छा कैसे बनती हैं? अच्छा अच्छा। सो गाइज मेरा अभी फोन हो गया था स्विच ऑफ, तो थोड़ा सा मैंने एक जादूगर आया था उसने जादू दिखाया था, वो मैं आपको दिखा नहीं पाया, कोई नहीं। तो गाइज अब हो गया बिल्कुल लास्ट टाइम, डिनर का टाइम हो गया चौकीदानी के अंदर, तो अब हम करेंगे डिनर। तो गाइज यहाँ का ना डिफरेंट सिस्टम है साइड डिनर का, आपको सबको दिखाता हूँ कैसा है। सो गाइज हम डिनर हाउस के अंदर जा रहे हैं। ओहो गाइज यहाँ तो बिल्कुल डिफरेंट सिस्टम है डिनर कराने का इनका, चौकीदानी के अंदर बिल्कुल ही डिफरेंट है। देखो गाइज सब कैसे खा रहे हैं बैठ के, बहुत ही अच्छा है ये, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे ये, तो मैं भी बैठ के भी खाता हूँ ऐसे सेम टू सेम। मैं भी बैठ चुका हूँ अपना डिनर करने के लिए, देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिलता है हमको खाने के लिए। वैसे तो यहाँ पर मेरे हिसाब से इन्होंने बोला है दाल बाटी चूरमा मिलेगा, और राइस भी है मेरे लिए, मैं दाल बाटी चूरमा नहीं खा सकता क्योंकि ग्लूटेन एलर्जी है। फ्रेंड्स इन्होंने मुझे इतना सारा कुछ दे तो दिया, सब्जी वगैरह इतनी सारी, मक्के की रोटी और ये चावल वगैरह, साथ में लस्सी भी दिया, बट ये सब कुछ ना ठंडा है, कुछ भी गर्म नहीं है कुछ भी। और ये देख रहे हो घी की जगह ना इन्होंने रिफाइंड दे दिया है। ये
वो खाना था यहाँ पे एक नंबर खाना था। अब आप थोड़ा घंटा बैठे रोटी मांग रहे हो, ये देसी घी है ये चार बार प्यार से बोल दिया रोटी ला दे, यहाँ तक ये खाना दे, ये खाना दे, कोई भी नहीं कह रहा इनमें से। सर पांच लड़के लगा रखे सर, थोड़ा तो सर क्या करेंगे इसमें। अभी सुनो आधा घंटा हो गया बैठे हुए, अभी दोनों खा लिए, वो तो बेचारे रुक के भी चले गए, कई बंदे चले गए बेचारे रुक के। ना ठंडा खाना है सारा, गर्म भी नहीं है। इन्होंने इतने चार जम से पैसे लिए हैं फिर भी गाइस देख सकते हो आप। गाइस ये घी नहीं रिफाइंड दे दिया इन्होंने घी के नाम पर। सो गाइस डिनर बिल्कुल अच्छा नहीं था, मतलब जिस हिसाब से इन्होंने पेमेंट है ना, जितने इन्होंने लिए हैं इन्होंने, तो उस हिसाब से पेमेंट बिल्कुल अच्छा नहीं था। और दूसरी बात, जो अमृतसर के अंदर साडा पिंड है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था इससे, मतलब 100 times जिसे कहते हैं ना, 100 times अच्छा था गाइस। तो गाइस अब मैं व्लॉग एंड करने जा रहा हूँ, अगले व्लॉग में मिलते हैं। सो गाइस बाय, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना।